हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही इजी तरीके से कुनाफा बनाने की रेसिपी। तो ये कोई भी बना सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने भी सेकेंड या थर्ड टाइम ही ट्राई किया है, बट फर्स्ट टाइम में ही मेरे से बहुत अच्छा बन गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका सिरप बना लूँगी। सिरप के लिए मैं यहाँ पर लूँगी हाफ कप के करीब शुगर, और उसी कप से मैं नाप के 4 कप इसमें पानी डाल दूँगी। बेसिकली ये 4 कप मतलब 2 कप होता है ये पानी, क्योंकि मैंने हाफ कप से डाला है। तो नाप के मैंने उसी से 4 कप इसमें पानी डाल दिया है। इसके बाद मैं पिंच ऑफ फूड कलर डालूँगी, ऑरेंज फूड कलर है ये, क्योंकि इसकी जो वर्मसली होगी या जो डो होगा वो वाइट कलर में होगा, तो थोड़ा सा कलर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने इसमें 1 पिंच के करीब ज़ाफ़रान डाल दिया है, सैफरन। आप इसे सैफरन कुनाफा भी बोल सकते हैं, अपने मन से कुछ भी डालिए, जुगाड़ वाला बनाइए और उसका नाम रख दीजिए, तो वो फेमस होना ही है। तो मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। अब देखिए, मैंने ये कुनाफा का डो लिया है, ये एक्चुअल कुनाफा डो है, मुझे मिल गया था। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप नॉर्मल वर्मसली से भी बना सकते हैं। और इस तरीके का मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, नॉनस्टिक पैन ही लीजिए, कोशिश करिए। अगर नॉनस्टिक पैन नहीं होगा तो इसे फ्लिप करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप नॉनस्टिक पैन ही लीजिए। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब बटर डाल दिया है। बटर सॉफ्ट है, मेल्टेड नहीं है, तो आपको भी सॉफ्ट लेना है। अगर आपका फ्रिज में है बटर तो आप निकाल के थोड़ी देर बाहर रखिए और फिर यूज़ करिए। मेल्ट भी कर सकते हैं आप, बट सॉफ्ट करके लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसे मैंने पैन में हाथों की मदद से स्प्रेड कर लिया है, और साइड्स पर भी, बॉटम में भी और साइड्स पर भी, दोनों तरफ लगा लिया है। अब मैं नीचे सबसे पहले लेयर में कुनाफा की डो लगाऊंगी, वर्मसली जो है, अच्छे से हाथ से प्रेस कर करके मैं चारों तरफ इसे फैला लूंगी। अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाने के बाद इसे हम साइड पर रख देंगे। अब इसकी फिलिंग मैं बताती हूँ आपको। फिलिंग भी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं जाता इसमें। ये मैंने क्रीम चीज़ ली है, ये चीज़ स्प्रेड नहीं है, ये क्रीम चीज़ है, तो आप भी ज़रा ध्यान रखिए, क्योंकि चीज़ स्प्रेड में सॉल्ट होता है, तो आपको क्रीम चीज़ ही यूज़ करनी है। अब मेरी क्रीम चीज़ काफ़ी थिक थी, तो मैंने थोड़ा सा उसमें मिल्क ऐड करके और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ताकि स्प्रेड करने में हमें आसानी हो। यहाँ पर हमारा सिरप भी बनकर रेडी है, बॉईल इसे थोड़ी देर ही करना है और गैस बंद करके साइड पर रख देना है। देन मैंने फिर से कुनाफा का डो लिया है, जो कि मैंने फ्राई पैन के बॉटम में स्प्रेड किया था। अब जो मैंने क्रीम चीज़ की फिलिंग बनाई है, उसे मैं अच्छी तरीके से सब तरफ स्प्रेड कर दूंगी, और इसकी क्वांटिटी भी आपके ऊपर है। फिलिंग आपको जितनी ज़्यादा रखनी है तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ इसे स्प्रेड कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आगे की रेसिपी। अब यहाँ पर फिलिंग मैंने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दी है। अब यहाँ पर चलते हैं, मोज़रेला चीज़ इस पर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मोज़रेला चीज़ ली है, ये नॉर्मल अमूल की मोज़रेला चीज़ है। अगेन यहाँ पर मोज़रेला चीज़ की भी क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी बिल्कुल ऐड करेंगे तो वो रबरी हो जाएगा, रबर की तरह लगेगा अंदर से, तो इसलिए ज़्यादा नहीं ऐड करना। मैंने यहाँ पर 1 कप ऐड की है, तो वो उतनी इनफ हो जाती है। सारी मोज़रेला चीज़ मैंने अच्छी तरीके से ऐड कर दी है, और अब मैं ऊपर भी एक लेयर डो की लगा दूंगी और इसे अच्छी तरीके से पैक कर दूंगी अपने हाथों की मदद से प्रेस कर करके। मैंने ये रेसिपी शेयर की है गैस पर, और मैंने इसीलिए ये रेसिपी गैस पर बताई है, ताकि ओवन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो फिक्र की बिल्कुल बात नहीं है, हम गैस पर भी इसे बना सकते हैं। और आपने देखा होगा, मैं अपनी रेसिपीज़, जितनी भी मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, उसमें ये साथ साथ बताते चलती हूँ कि जितने भी इन्ग्रीडियंट मैंने यूज़ किए हैं, अगर आपके पास उसकी जगह कोई और इंग्रेडिएंट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मैं अल्टरनेट भी आपको बताते हुए ही चलती हूँ, इसीलिए ताकि आपको ये बनाने में कोई दिक्कत ना आए कोई भी रेसिपी मेरी।
अब यहाँ पर मेरी डो की फाइनल लेयर लगाकर हो चुका है, तो अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर। मैंने ऊपर मेल्टेड बटर इसीलिए डाला है कि अगर हम रूम टेम्परेचर वाला बटर ऊपर डालते तो फिर वो स्प्रेड करने में प्रॉब्लम होती, तो इसीलिए हल्का सा मैंने मेल्ट कर लिया है बटर को। गैस पर मैं इस तरीके का एक तवा चढ़ाऊंगी, तवे के ऊपर मैं ये फ्राई पैन रखूंगी। फ्राई पैन को डायरेक्ट हमें गैस पर नहीं रखना है, वरना नीचे से बॉटम से ये जल जाएगा। तो मैंने फ्राई पैन ऊपर रख दिया और उसे एक ढक्कन से ढक दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ढककर रखना है। अब 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा कुनाफा नीचे से बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि उसकी स्मेल से मुझे पता लग रहा है कि वो हो गया है। तो मैं इसके साइड्स को पहले अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँगी एक स्पैचुला की मदद से, देन उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। फ्लिप कैसे मैं करती हूँ वो भी बताऊँगी मैं आपको। इस तरीके का मैंने एक ढक्कन ले लिया है बड़ा साइज़ का। अब उसके ऊपर मैं ये ढक्कन रखूँगी और बिल्कुल केयरफुली हमें इसे फ्लिप कर देना है। और बिल्कुल केयरफुली इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो आप बिल्कुल संभाल के करें। थोड़ा सा मैस होगा, थोड़ी सी वर्मसली इधर उधर होगी, बट डोंट वरी, वो होता ही है, उतना होगा ही। आप देखेंगे अभी वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ फ्लिप कर दिया है, आप देखेंगे साइड से अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसे वापस से पैन में दूसरी साइड से ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि जो ऊपर वाला हिस्सा था वो भी अच्छी तरीके से नीचे से पक जाए। तो आपने देखा ये मैंने कैसे डाला, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से डालना है। और टूटने का ये बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो चीज़ डाली है वो मेल्ट होके दोनों लेयर्स को अच्छी तरीके से सेट कर देगी। तो देखिए मैंने ये टर्न कर दिया है, अगेन मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रखूँगी। 15 मिनट के बाद ये कुनाफा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब अगेन मैं इसके साइड्स को अच्छी तरीके से प्रेस कर करके थोड़ा सा इसमें गैप बना लूँगी, ताकि जो हम अपना शुगर सिरप ऊपर से डालें तो वो नीचे तक इसमें साइड से भी चला जाए। तो यहाँ पर मेरा शुगर सिरप जो मैंने रेडी करके रखा था, अच्छा ये शुगर सिरप ना ल्यूक वार्म होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा हमें नहीं डालना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर शुगर सिरप मेरा हल्का सा गर्म है, तो मैं इसके ऊपर पूरा ऐड कर दूँगी सब तरफ से। और कुनाफे का जो कलर है, इसीलिए मैंने इसमें शुगर सिरप में कलर डाला था, क्योंकि इसका डो वाइट होता है, तो शुगर सिरप अगर सादा होता हमारा तो कुनाफे का कलर बिल्कुल नहीं अच्छा आता, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल के एक फोक की मदद से थोड़ा सा बीच में होल करती जाऊँगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ताकि शुगर सिरप बीच में भी अच्छी तरीके से चला जाए। और शुगर सिरप अच्छी तरीके से इसमें भर के आप डालिए, क्योंकि ये सारा शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लेगा बाद में। और शुगर सिरप डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब 5 मिनट के बाद मेरा कुनाफा बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। लास्ट में आप इसे पिस्ताशू से अच्छी तरीके से गार्निश करिए, पिस्ताशू डालना ज़रूरी है, तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास रोज़ पेटल्स है, अगर गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, तो आप वो ऐड कर दीजिए, उससे और अच्छा लुक आएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड की, बट आप पिस्ताशू तो ज़रूर डालिए इस पर। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करिए और अपने रिव्यूज़ फीडबैक्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।